नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल प्रियंका व्लॉगर में। तो आज मैं एक नई जगह पे आई हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ और कई सालों के बाद फिर से वापस आई हूँ यहाँ पे। तो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। तो मैं आई हूँ अभी यहाँ इस्कॉन टेम्पल, बैंगलोर के इस्कॉन टेम्पल में। तो आज संडे के दिन हम लोग आए हैं और पीछे आपको दिख ही रहा होगा बहुत सारी पार्किंग गाड़ियों की लगी हुई है यहाँ पे। होगा यहाँ लोग जो है अपना फुटवेयर वगैरह यहाँ जमा करते हैं, टोकन मिलता है। हमने अपना फुटवेयर जो है कार के अंदर ही रख दिया है। ज़्यादातर लोग जो कार से आए हैं अपने कार में ही अपना फुटवेयर रख दे रहे हैं। तो आज संडे की वजह से बहुत भीड़ है और जन्माष्टमी भी नज़दीक आ रही है, तो हो सकता है कि इसलिए भीड़ और ज़्यादा हो। तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और पीछे तो दिख ही रहा है, पब्लिक जितने पीछे दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा आगे है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सारे सनी सा तो फाइनली बहुत लंबा घूमते अभी हम लोग मंदिर के नीचे हैं। एंट्री वहां से आपको दिखाई दे ही रहा होगा, तो अंदर वीडियो अलाउ है कि नहीं पता नहीं, बट जहां तक पॉसिबल हो आपको मैं वीडियो कवरेज दे रही हूं। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छा है। तो आप सबको मंदिर के बारे में मैं ये बता दूं कि वैसे तो इस्कॉन टेम्पल दुनिया भर में, देश विदेश में हर जगह बना हुआ है, फैला हुआ है। श्री कृष्ण भगवान के भक्त देश विदेश में, भारत के साथ साथ देश विदेश में फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ कर्नाटक स्टेट के बैंगलोर सिटी में ये इस्कॉन टेम्पल राजा जी नगर में स्थित है। और सामने आपको मेट्रो नज़र आ ही रहा होगा, तो आपको बता दूं कि सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो है महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन, और बैंगलोर एयरपोर्ट से अप्रॉक्स 34 to 35 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली लंबी जर्नी के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक आई हुई है यहाँ पे। देखते हैं कितना समय बिता पाती हूँ यहाँ पे। मंदिर बहुत ही अच्छा है इस्कॉन टेम्पल। इससे पहले मैंने बंगाल में जो इस्कॉन टेम्पल है मायापुर में, अगर आप जानते होंगे तो वहाँ मैंने इस्कॉन टेम्पल देखा है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये बैंगलोर के इस्कॉन टेम्पल में लगभग मैं 3-4 साल के बाद आ रही हूँ यहाँ पे। तो आज फिर से लग रहा है कि मैं पहली बार आई हूँ और नया एक्सपीरियंस लग रहा है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है।
इस मंदिर का आर्किटेक्चर जो है आईआईटी मुंबई श्री मधु पंडित दास जी ने की थी। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत बड़ा इसका सराउंडिंग्स है। और इसकी खासियत ये है कि जब आप इसके 108 सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर पहुंचते हो तो आप हरे कृष्णा हरे राम का नाम जपते हो। और मेन एंट्री जो है मंदिर का मेन जो राधा कृष्ण टेम्पल है उस मंदिर तक पहुंचने से पहले आपको दो मंदिर को होकर गुजरना पड़ता है। तो एक बात बता दूं आप सभी को कि पहला मंदिर जो होता है वो नरसिम्हा मंदिर है और सेकंड टेम्पल जहां से आप होकर गुजरते हो वो है श्रीनिवास टेम्पल। इसके बाद श्री राधा कृष्णा टेम्पल मेन मंदिर आता है। तो दो मंदिरों से गुजरने के बाद जब आप मेन टेम्पल राधा कृष्ण टेम्पल के तक जाते हो तो सबसे पहले आपको जो दिखाई पड़ता है वो है गोल्ड प्लेटेड ये 56 फीट ऊंचा स्तंभ दिखाई देता है। और इसके आसपास देखिए बहुत बड़ा सराउंडिंग्स है जहां से आप बहुत ही अच्छा वीडियो शूट कर सकते हो या अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। बहुत ही बड़ा स्पेस है और स्काई व्यू पूरा बैंगलोर सिटी आपको नज़र आता है। तो आज वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है यहां आके। कई सालों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से पहली बार आई हूँ इस जगह को देखने के लिए। और इस जगह को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे सच में बहुत खुशी मिल रही है कि मैं ऐसी जगह को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी लोग भी देखिए कैंपस जो है बाहर का बहुत ही सराउंडिंग जो है बहुत ही बड़ा है। बच्चे को नीचे छोड़ दिया है मैंने, वो खेल रहा है और काफी पब्लिक जो है देखिए। अगर आप अपने प्राइवेट कार या अपने बाइक से इस्कॉन टेम्पल आते हो तो यहाँ आपको पार्किंग का फैसिलिटी भी मिलेगा। नॉर्मल डेज में बैंगलोर इस्कॉन टेम्पल मॉर्निंग 4:30 AM टू 1 PM तक ओपन रहता है। उसके बाद आफ्टरनून 1 to 4 PM तक क्लोज रहता है एंड शाम को इवनिंग टाइम में 4:30 to 8:20 PM तक ओपन रहता है। तो धीरे धीरे यहाँ लोगों के साथ मैं भी आगे बढ़ती हुई नरसिम्हा टेम्पल के बाद मैंने श्रीनिवास टेम्पल का दर्शन किया। जैसा कि आप सभी को नज़र आ ही रहा होगा काफ़ी लोग यहाँ हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। और उसके बाद आपको एक प्रसादम काउंटर मिलेगा, यहाँ से आप फल भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। तो धीरे धीरे अब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सबसे अंतिम चरण पे पहुँचे। मंदिर के अंतिम चरण पे जो है मेन राधा कृष्ण चंद्र टेम्पल। और यहाँ आसपास आपको सराउंडिंग्स भी नज़र आ रहा होगा। और अगर इस्कॉन टेम्पल आने का लैंडमार्क मैं आपको बताऊँ तो सबसे बेस्ट लैंडमार्क है यहाँ का ओरायन मॉल जो कि इस्कॉन टेम्पल के बहुत ही पास में है। मंदिर के आसपास का सराउंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। स्काई व्यू से आपको बिल्कुल पूरा बैंगलोर सिटी जो है ऊंचाई से बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और जो शाम भी है काफ़ी खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात कि बहुत सारे लोग आज जो हैं दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पे। और अब धीरे धीरे जो है मेन एंटर हम लोग करने जा रहे हैं जो मेन मंदिर है राधा कृष्ण चंद्रमा टेम्पल। और
और सामने नजर आ रहा है गोल प्लेटेड से बना हुआ भगवान का मेन सिंहासन। सिंहासन के राइट हैंड साइड में आश्रित होते हैं भगवान श्री कृष्णा एंड बलराम। सेंटर में है श्री राधा कृष्णा का मूर्ति एंड सबसे एंड में आता है श्री चैतन्य एंड नित्यानंद महाराज जी की प्रतिमा। और भगवान जी के दर्शन के बाद मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में श्री प्रभुपाद जी की मूर्ति भी देखने को मिलती है। यहाँ आपको डिफरेंट लैंग्वेज में भागवत गीता का कलेक्शन भी मिल जाएगा। दर्शन के बाद जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो तो यहाँ शॉपिंग के काफी सारे सामान, जैसे कि पूजा का सामान हुआ या फिर कुछ एथनिक वेयर टाइप या फिर कुछ हाथ से बने हुए सामान जैसे कि बैग वगैरह और घर की सजावट की चीज़ें और भगवान की मूर्तियाँ या उनके फ़ोटो फ्रेम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आपको दुनिया भर की खाने पीने के चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, चाहे स्वीट आइटम हो या नमकीन आइटम हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि सभी यहाँ हाथों में भोग का प्रसाद लिए हुए इसको एंजॉय कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं। तो आप भी कभी इस्कॉन टेंपल आए तो ये भोग का प्रसाद लेना बिल्कुल भी ना भूले और यहाँ बैठकर इत्मीनान से आप खा सकते हैं। तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि पीछे कितनी भीड़ हो रखी है और यहाँ जितने भी हैं सारे जो आए हैं यहाँ टेंपल दर्शन के लिए वो भोग का प्रसाद खा रहे हैं और मैंने भी काफ़ी कुछ खाया, भोग का प्रसाद भी ले लिया। और पीछे तो देख ही रहे होंगे काफ़ी लोग हैं, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। पहली बात तो आज संडे है और दूसरी बात कि जन्माष्टमी भी नज़दीक आ रही है, तो हो सकता है कि इस सिलसिले में भी काफ़ी लोग दर्शन के लिए आ रहे हों। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि पीछे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और काफ़ी सारी भीड़ आई हुई है। लेकिन मंदिर जैसे जैसे शाम हुई है और जैसे रात हुआ है और भी अच्छा और भी खूबसूरत लग रहा है। लाइटिंग की हुई है हर तरफ तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद है कि मेरा आज का ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें विच इज़ प्रियंका ब्लॉगर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।